यदि क्यूरियस इंडियन की गाड़ी आज आपको लेके आ गई है 3S कार्स हड़पसर पुणे, तो आइए मिलते हैं सात भाई से। हेलो सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर जी। तो सात भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो का क्या रिस्पांस रहा? लास्ट वीडियो का सर एकदम ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। अच्छा, लोकांचा खूब चांगला प्रतिसाद मिळाला आपल्याला। और मैं आपको बताता हूँ कौन सा गाड़ी किधर गया है। जी, तो वीडियो के थ्रू हम लोगों ने सबसे पहला गाड़ी दिया था KUV 100। जी, ये गाड़ी गया है लातूर। अच्छा, और ये कस्टमर का नाम था अनिल गवई करके। जी, और वही दूसरा गाड़ी गया फिगो, और ये गाड़ी गया है इधर पीछे नोबल हॉस्पिटल है उधर ही गया है। अच्छा, उधर कोई डॉक्टर है उन्होंने लिया है। अच्छा, और वही वीडियो देख कर एक कस्टमर आए थे, उनको फिगो लेना था, बट फिगो तो चली गई थी अपने पास। जी, तो फिर हमारे पास वो टाइम पे एक फिएस्टा इन हो गया था। अच्छा, तो वो कस्टमर ने फिएस्टा ले लिया। अच्छा, और वो कस्टमर का नाम था प्रमोद हत्तूर है, अकोलकोट सोलापुर गया गाड़ी। अच्छा, और उसके बाद सर एक एस्टिलो लर्निंग के लिए लिया है कस्टमर ने, हिंजेवाड़ी गया है पुणे में ही। अच्छा, वो कस्टमर का भी नाम प्रमोद पुड़ाले करके था। अच्छा, और फिर एक एस्क्रॉस गए अपने पास, जो क्रेटा था वो क्रेटा देखने आए थे, बट उन्होंने लिया एस्क्रॉस। कस्टमर का नाम था रमेश शेख। अच्छा, और सेकेंड फिर विस्टा गया सर, ये भी लंडर ने ही लिया है, जिसने विस्टा जो CNG हमने कवर किया था वीडियो में। कस्टमर का नाम था अब्दुल शेख, इधर हड़पसर के ही कस्टमर है। अच्छा, और दो कस्टमर ऐसे थे वो वीडियो देखकर आ गए, तो एक ने इटियोस ले लिया। अच्छा, और एक ने बोलिनो ले लिया, और ये दोनों कस्टमर एक डीगी के है और एक बांदर साइड के है पुणे में। अच्छा, ये रिस्पॉन्स था वीडियो का। जी, जी। और ये सब कस्टमर को कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। जी जी, तो बहुत बहुत मुबारकबाद ये कस्टमर्स को, और इनकी जो भी फोटोज होगी हम तो शेयर करेंगे सर। बिल्कुल। साथ में फिर बिना किसी देरी के चले आज के स्टॉक की तरफ। हाँ सर, बिल्कुल, आज तो बजट गाड़ी ज्यादा है। अच्छा, और कस्टमर के फिलहाल ट्रेंड भी यही है, मतलब कोरोना चल रहा है तो लोग 2-3 लाख के कस्टम गाड़ी की ज्यादा डिमांड है। जी, और ये टाइम का स्टॉक वैसे ही ज्यादा है, 2-3 लाख के बजट में ही ज्यादा है। जी जी, और आज की पहले गाड़ी है इर्टिगा। अच्छा, मारुति सुजुकी इर्टिगा ZXi पेट्रोल मैनुअल। टॉप एंड है, 2016 है, इसमें आपको एयरबैग्स, ABS और स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल आ जाएंगे, और गाड़ी ड्रीवन है सिर्फ 23,000 चली है। 23,000? सिर्फ 23,000 ड्रीवन है। अच्छा, हाँ, अपने पास कैसे है सर, जो रहता है वही ओरिजिनल मिलेगा आपको। जी जी, हाँ, और गाड़ी का प्राइस कोड क्या है सर? 785। 785 में इर्टिगा 2016 की ZXi। और ये सिंगल ओनर? सिंगल ओनर, इंश्योरेंस वैलिड, फुल इंश्योरेंस, प्योर पेट्रोल। जी, और सर ये फाइनल आपके लिए हम कर देंगे, क्यूरियस इंडियन के लिए 750 में गाड़ी देनी है। 7.5 लाख? 7.5 में इर्टिगा ZXi पेट्रोल, 23,000 चली, सिर्फ 23,000 चली हुई। अच्छा, अच्छा। सेकेंड है सर i10, आज की दूसरी गाड़ी है i10 स्पोर्ट्स, 1.2 कप्पा पेट्रोल, सिंगल ओनर। i10 का किलोमीटर है 64,000 ड्रिवन है। अच्छा, और ये गोल्डन नंबर के साथ है। अच्छा, हाँ, और इसका प्राइस कोटेड है सर, ऐसा तो थोड़ा परचेज आपको भी पता है, परचेज थोड़ा महंगा है, तो सेल भी थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है। जी, ये गाड़ी का कोटेड प्राइस है 275। 275 में i10। और ये कब का मॉडल बता? 2011 का, सिंगल ओनर, और इसका प्राइस है 255 में हम फाइनल दे देंगे गाड़ी। जी, थर्ड गाड़ी है आज की डिजायर VXR, ये भी बजट में ही है, 2010 सिंगल ओनर, 82,000 ड्रेवन है, प्योर पेट्रोल, उसमें VXI में पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, AC आ जाएगा आपको। और इसका कोटेड प्राइस है सर 3 लाख कोड किया है सर इसका, 3 लाख, हाँ, स्विफ्ट डिजायर। और ये फाइनल आपके लिए हम करेंगे 285 में, 285 में डिजायर VXR, सिंगल ओनर, पुणे नंबर। अच्छा, और ये कब का मॉडल बता? 2010 का डिजायर। अच्छा जी, और नेक्स्ट गाड़ी भी डिजायर ही है। अच्छा, और डीजल है वो। अच्छा, अभी जो गाड़ी था वो हमने पेट्रोल कवर किया है। नेक्स्ट गाड़ी है व्हाइट कलर में, डिजायर VDI है, पुणे पासिंग में ही है, सेकेंड ओनर है, और इसका किलोमीटर है 94,000 ड्रिवन है, इंश्योरेंस वैलिड है। इसका प्राइस सर ऐसा तो हम लोग काउंटर पे कोट करते हैं 355। अच्छा, बट फाइनल सर हम देखो
फाइनल रेट रहेगा इसका एकदम बॉटम 325 में डिजायर VDI 325 में डिजायर VDI। हाँ, लोग इतना स्विफ्ट का बोलते हैं, हम डिजायर दे रहे हैं वही रेट में आपको। अच्छा हाँ, डिजायर VDI। अच्छा साथ भाई, डिजायर VDI सुनने के बाद मेरे जहन में एक सवाल आया था कि जैसे आज से अगर हम 4-5 महीने पीछे चले जाएं, हाँ, तो जब देखा जाता था कि मार्केट के अंदर स्विफ्ट VDI, स्विफ्ट डिजायर VDI की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो क्या अभी भी वही VDI का क्रेज? नहीं सर, डिमांड तो वही है। अगर अच्छा, आप देखेंगे तो पहले सिटीज में CNG था, अभी जैसा जो सिटी जैसे जो जिले जो बड़े हैं, लातूर हो गया, सातारा हो गया जी, ये बारामती हो गया, उधर CNG हुआ है जी। और जैसा जो ग्रामीण है, अभी भी उधर CNG के कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। नहीं। और देखा गया तो डीजल गाड़ी को तो एवरेज ज़्यादा था, ज़्यादा था, और डिजायर की डिमांड वैसी ही है अभी भी स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर की। मतलब VDI अभी भी अपने जो है डिमांड बरकरार है, बरकरार है, हॉट प्रोडक्ट है सर डिजायर, मतलब ये रुकती नहीं है गाड़ी। उसके बाद लेते हैं हम आज की गाड़ी है होंडा सिटी 2014 है, SV है वेरिएंट, 2014 SV वेरिएंट, किलोमीटर है इसका 103,000 चला हुआ है, 2014 का गाड़ी, सेकेंड ओनर और फुली शोरूम सर्विस रिकॉर्ड में है गाड़ी। सेकेंड ओनर है, एयरबैग JBS वगैरह बाय डिफॉल्ट आता है इसको, कंपनी म्यूजिक सिस्टम, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह सब कुछ है। और इसका कोटेड प्राइस है सर 5,15,000 में होंडा सिटी, SV, वो भी न्यू शेप 2014 का जी। हाँ, और आप देखेंगे तो मार्केट में 2013 का गाड़ी का ओल्ड शेप का लोग बोलते हैं 5,00,000। अच्छा हाँ, अपने पास न्यू शेप का गाड़ी है, 490 में सर फाइनल दे देंगे गाड़ी, बॉटम प्राइस 490 के अंदर आप होंडा सिटी दे देंगे। अच्छा साथ भाई, लगती नहीं है 1,00,000 चली हुई गाड़ी? शोरूम सर्विस है ना सर, शोरूम पे कैसा रहता है, टाइम टू टाइम सर्विस रहती है। जैसे अगर बाहर कैसा होता है, आप मेंटेन करते हैं, अगर कोई पार्ट को ऐसा लगता है कि इसको और चल जाएगा ये, शोरूम पे कैसे रहता है, थोड़ा भी कोई पार्ट ऐसा वीक लगा तो वो डायरेक्टली चेंज होता है, तो गाड़ी का कैसा लाइफ भी अच्छा रहता है और गाड़ी चलता भी ज़्यादा है। और शोरूम मेंटेन गाड़ी होंडा सिटी रहेगा तो मैं तो बोलता 3-3.5 लाख तक इसके इंजन को कुछ होगा भी नहीं गाड़ी को, बस टाइम टू टाइम मेंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट कार है सर आज की SX4 CNG। अच्छा हाँ, अभी CNG की डिमांड ज़्यादा है तो CNG वाली गाड़ी है अपने पास जी, SX4 CNG 2008 ZXI टॉप एंड है और 68,000 ड्रिवन है सर। अच्छा, और विथ CNG फिटेड है और पेपर पे भी इसका आपको ये मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगी ऑन। अच्छा, पेपर भी CNG है गाड़ी जी। इसका प्राइस है सर 235 कोड किया है, 235 में SX4 ZXI, एयरबैग ABS सब कुछ फुली लोडेड आता है, ZXI सिक्वेंशियल किट है, सिक्वेंशियल किट है, सादा किट नहीं चलता है सर इसको, सिक्वेंशियली लगता है। और इसका प्राइस है सर 235। अच्छा हाँ हाँ, अभी आपको तो प्राइस बोल के चलेगा नहीं, आपको डिस्काउंट करके सर ये आएगा 210 में आ जाएगा, 210 के अंदर SX4 ZXI पेट्रोल, हाँ ZXI वेरिएंट। अच्छा, और ये चला हुआ कितना है? 68,000 हुआ है, 68,000। सेकेंड ओनर है SX4। अच्छा जी, नेक्स्ट कार है सर टाटा का जेस्ट डीजल 2014 का है, XMS वेरिएंट है, गाड़ी में आपको एयरबैग्स आ जाएंगे, कंपनी अलॉयज है, सब कुछ है, कंपनी टेप वगैरह। अगर आपको 12 का डीजल लेने जाएंगे तो सर आपको लगभग वो 4.25-4.5 के रेंज में जाता है डीजल, वो भी 12 का। आपको हम 14 का देखो जेस्ट आएगा, 4,60,000 कोटेड प्राइस है। अच्छा, हम फाइनल 4,20 में दे देंगे, 4,20 के अंदर टाटा जेस्ट डीजल 2014। और इसमें सभी फीचर्स होंगे जो ज़रूरत, सब कुछ है जी, सब कुछ, एयरबैग है, अलॉय व्हील्स है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, मिरर वगैरह सब कुछ है उसमें। 1,12,000 चला हुआ है गाड़ी शोरूम सर्विस रिकॉर्ड के साथ है। अच्छा, और जेस्ट और डिजायर में एक ही डीजल इंजन है। अच्छा हाँ, डीजल इंजन वही है, मतलब वो फियाट कंपनी का जो मल्टीजेट इंजन आता था जी, मारुति टाटा के बहुत सारी गाड़ी में वो इंजन है। अच्छा, कर सर आज के रिट्स, रिट्स LXI है, पेट्रोल है, सिंगल ओनर गाड़ी, ड्रिवन है अराउंड 73,000। अच्छा, पावर स्टीयरिंग AC आ जाएगा इसको, पावर विंडोज नहीं है रिट्स में जी। इसका प्राइस है सर 255 कोटेड किया है, कोटेड प्राइस है 255 में, मारुति सुजुकी रिट्स LXI। अच्छा, प्योर पेट्रोल। और इसका सर फाइनल करके आपके लिए आ जाएगा 2,35,000 में हम रिट्स दे देंगे, 2,35 में रिट्स 2010 रिट्स।
आज की नेक्स्ट कार है सर सेलेरियो ZXI 2017 है, फेसलिफ्ट जो आया था सेलेरियो में 17 में वो वाला मॉडल है, ZXI AMT है ऑटोमेटिक। अच्छा। हाँ, और इसका कोटेड प्राइस है सर 475 475 में सेलेरियो ZXI वो भी ऑटोमेटिक और ये चली हुई कितनी सर 34,000 सर 34,000 हाँ मॉडल भी लेटेस्ट है, फेसलिफ्ट वेरिएंट है इसमें सिंगल 17 का, इसमें सिंगल एयरबैग, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, कंपनी टेप, रियर वाइपर सब कुछ है। अच्छा। और क्वार्टर प्राइस है सर इसका 475 फिर से बोल रहा हूँ लेकिन फाइनल हम देंगे 440 में गाड़ी 440 में सेलेरियो ZXI। लोग VXI का इतना बोलते हैं, हम उतने में ZXI दे देंगे, वो भी ऑटो और हॉट प्रोडक्ट है सेलेरियो मार्केट में। जी। नेक्स्ट कार है सर होंडा जैज़। अच्छा। 2009 का प्योर पेट्रोल सेकेंड टॉप वेरिएंट है, गाड़ी में सब कुछ है, एयरबैग्स, ABS, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, किलोमीटर हुआ है उसका 45,000 सिर्फ। 2009 का गाड़ी। अच्छा। हाँ अभी भी गाड़ी कंपनी टायर्स पर है। 11-12 साल हो गए आपको लगभग? हाँ लगभग 11-12 साल हो गए गाड़ी को, सिर्फ 45,000 चला है गाड़ी। अच्छा। हाँ का कोटेड प्राइस है सर 285 285 हाँ जैस। अच्छा। और सर ये फाइनल करेंगे हम 255 में 255 में होंडा जैस 2009 का आईवीटेक इंजन 1.2। अच्छा। और आज का लास्ट कार है सर बजट कार है मारुति ओमनी 8 सीटर 2012 पेट्रोल और सिंगल ओनर है गाड़ी और इसका प्राइस है 195 कोटेड प्राइस है। हाँ 195 में ओमनी 2012 का। अच्छा। और ये गाड़ी तो कैसे पुणे के बाहर ही जाएगा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा। हाँ और ये गाड़ी फिर हम फाइनल दे देंगे 175 में दे देंगे 2012 का ओमनी प्योर पेट्रोल। अच्छा। और ये कितनी चली हुई सर? 64,000 चली है सर, इसका क्लच वगैरह हम लोगों ने ब्रांड न्यू डाला है। अच्छा। गाड़ी में कुछ काम है नहीं, ऐसा कुछ लेकर करना है नहीं, बस खरीदो और चलाओ। लास्ट वीडियो का रिस्पांस ऐसा था यासिर भाई जी। दुकान ओपन होने से पहले कस्टमर आकर खड़े थे। अच्छा। हाँ हम लोगों का टाइमिंग है 10 से 8 बजे तक का, सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक है तो 9 बजे ही कस्टमर थे। पहले 3 दिन का ये हाल था आपकी वीडियो से जी। हाँ और जिसने भी अभी जो भी वीडियो देखा है अभी गाड़ी का, अगर गाड़ी किसी को लेनी है तो थोड़ा जल्द से जल्द आ जाओ। हाँ अगर किसी का कॉल अगर रिसीव नहीं होता है, अगर कुछ काम वगैरह रहता है या कोई क्लाइंट है तो थोड़ा कॉल रिसीव नहीं होता है तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी आप व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, हम आपको कॉल करेंगे। हाँ और ऑफिस का टाइम है अपना सुबह 10 बजे से शाम में 8 बजे तक ओपन रहते हैं। और साथ भाई अगर किसी को विजिट करना हो अपना ये शोरूम तो एक ज़रा बता दीजिए लैंडमार्क वगैरह कोई नज़दीकी कि कैसे पहुंचा जाए। ओके सर एकदम सिंपल एड्रेस है अपना, मेन रोड पर है। अच्छा। पूना सोलोपुर हाईवे है ये जी, यहाँ पे वैदवाड़ी सिग्नल बोलते हैं इसको। अच्छा। किर्लोस्कर ब्रिज से पहले लगता है। अच्छा। हाँ अगर पूना से जाते वक्त मगरपट्टा से पहले वाला सिग्नल है और आते वक्त मगरपट्टा के बाद वाला सिग्नल है। हाँ और यहाँ पे TVS का शोरूम है नेक्स्ट टू कणमकर TVS शोरूम नेक्स्ट टू उसको लगकर ही है। अगर किसी को कोई इशू रहेगा कॉल करो या व्हाट्सएप पे पिंग करो, आपको लोकेशन मिल जाएगी जाके। हाँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यासिर भाई को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करो, ऐसे ऐसे आगे वीडियो और हमारे बनेंगे जी। बिल्कुल। तो ये रही एक और वीडियो द क्यूरियस इंडियन चैनल पे 3S कार्स हड़पसर पुणे से। और आज जो आपको स्टॉक दिखाया उसमें कोई भी आपको अगर गाड़ी पसंद आई हो जल्द से जल्द शोरूम विजिट करें जी, क्योंकि साथ भाई मैंने देखा है कि बहुत जल्दी अपने यहाँ से गाड़ी हुआ है सर। अभी भी जो आपने जो लास्ट मंथ में वीडियो कवर किया था ना जी, मेरे को अभी भी कॉल आते हैं कस्टमर के गाड़ी के लिए। अच्छा। हम लोगों ने नंबर उनके लिखे, उनको बोला है कि कॉल आएगा करके अगर वो वैसी रिक्वायरमेंट वाली गाड़ी आती है तो जी। तो इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स के अंदर अपना गांव, ज़िला, तालुका जो भी है वो ज़रूर बताएं जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और हमारे चैनल द क्यूरियस इंडियन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।